नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। तो वहीं पहली बड़ी खबर लेकर आ रही है, बिरसा मुंडा जयंती पर झारखंड समेत देश भर में होंगे कार्यक्रम। रांची खुटी आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। की केंद्र सरकार ने पिछले साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। इस साल जनजातीय गौरव दिवस देश स्तर पर मनाया जाएगा। इसके लिए जनजातीय मंत्रालय ने व्यापक कार्य योजना तैयार की है। इस योजना के तहत आदिवासी मंत्रालयों मामलों के मंत्रालय ने झारखंड सरकार के साथ मिलकर खूंटी में एक व्यापक कार्यक्रम का आयोजन करेगी। तो वहीं बिरसा मुंडा के गांव उलीहाउ जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहाउ गांव में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगी। कुट्टी ग्राम में एक जनसभा का आयोजन होगा जहां राष्ट्रपति जनजाति महिला स्वयंसेवी संस्थाओं में प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगी। गौरतलब है कि देश की ऐतिहासिक संस्कृति में जनजाति समुदायों के योगदान की बात करने और आने वाली पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक विरासत व राष्ट्रीय गौरव के संरक्षण के लिए प्रेरित करने के लिए 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। तो ही अगली बड़ी लेकर क्या रही है, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में बनेंगी बिरसा मुंडा की जयंती। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले इस आयोजन में 15 नवंबर को उपराष्ट्रपति जगदलपी धनखड़ संसद भवन में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और अन्य नेताओं की मौजूदगी में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके इसके अलावा कई राज्यों की राजधानियों और अन्य शहरों में राज्य सरकारें और राज्य जनजातीय संस्थाओं के सहयोग से युवाओं और जनजातीय कलाकारों में मार्च आयोजन होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगोष्ठी, निबंध लेखन, गीत, नृत्य, खेल, चित्रकला प्रतियोगिता और अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर की आ रही है, रांची में भीषण सड़क हादसा, बस ट्रक की टक्कर में एक की मौत, कई लोग घायल। बैजले के झारखंड में रांची जिले के अतुपुताना में आज भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें एक यात्री की मौत हो गई जबकि कई यात्री घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक और बस और ट्रक में हुई इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है, कई घायल हैं। यात्री बस का नाम भोली बताया जा रहा है। यह बस रांची से तपकारा तक जाती है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। विस्तृत खबर थोड़ी देर। वहीं अगली बड़ी कल्याणकारी है, अर्जुन मुंडा ने मंत्री अखिल गिरी पर तीखी टिप्पणी। सीएम ममता बनर्जी की यह मांग। बचले कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री अखिल गिरी विवादों में गिर गए हैं। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर बेहद अपमानजनक टिप्पणी की। इसके बाद उनके बयान की हर ओर आलोचना हो रही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि हम किसी भी शक्ल सूरत से किसी को नहीं आंकते, हम राष्ट्रपति के पद सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति कैसी दिखती हैं। उसके इस बयान के बाद बीजेपी टीएमसी पर पूरी तरह हमलावर है। वहीं बात कर ले मौसम विभाग को लेकर के, तो झारखंड की हवा खराब, रेड जोन में पहुंचा। 2023 तक एरोसोल प्रदूषण में 5% वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। बताते हैं कि झारखंड में हवा काफ़ी ख़राब है। एक अध्ययन मुताबिक 2023 में एरोसोल प्रदूषण से करीब 5% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। ऐसे हुआ प्रदूषण मामले को लेकर झारखंड में अत्यधिक असुरक्षित रेड जोन में बना रहेगा। बड़ी वजह पावर प्लांट से होने वाले दुर्सर्जन व गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण है। करीब 13 गीगावाट प्रदूषण सिर्फ गाड़ियों के कारण है। वहीं थर्मल पावर प्लांट के कारण 49% प्रदूषण है जो पहले 51% था। इसके अलावा सॉलिड फ्यूल और वेस्ट बर्निंग से भी 15% प्रदूषण आ रहा है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, झारखंड में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर DSP रैंक के 40 अफसरों की आज से की जाएगी तैनाती। चले कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण के DSP रैंक के 40 अफसरों की तैनाती शनिवार से होने लगी है। इनमें 25 की तैनाती रांची जिला और 15 खूंटी जिला में की गई है। यह तैनाती 15 नवंबर तक कार्यक्रम समाप्ति तक के लिए ही की गई है। इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। DSP रैंक के जिन अफसरों की तैनाती रांची जिला में की गई है उनमें जैप 02 से मनोज कुमार महतो, जैप
7 से राजीव कुमार मेहता और जेफ 8 से दीपक कुमार और ब्रिडिन मेरे टिकट मरांडी जैप 9 से विजय कुमार कुशवाहा 10 से ऐसे ही कई ऑफिसर आए हुए हैं जो जैप 40 अफसरों की तैनाती की गई है द्रौपदी मुर्मू के लिए। चुनाव को लेकर के 40 वार्डों में किसी भी जाति का प्रत्याशी लड़ सकेगा चुनाव 26 महिलाओं के लिए आरक्षित सीट। आपको बता दें कि रांची नगर निगम चुनाव के लिए प्रशासन के आरक्षण रोस्टर तैयार कर दिए गए हैं। इस चुनाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त कर दिया गया है, इस कारण ओबीसी के आरक्षित वार्ड सामान्य हो गए हैं। कुल 53 वार्डों में से 40 सामान्य की श्रेणी में आ गए हैं। 11 वार्ड एसटी और 2 एससी के लिए आरक्षित किए गए हैं और निगम के 26 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर निगम की आ रही है, रांची में 61,000 से अधिक मामलों का निपटारा, 7 पीड़ितों को मिला 25 लाख मुआवजा। बदले के झारखंड राज्य विधेयक सेवा प्राधिकार के कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देश पर रांची सिविल कोर्ट में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें 61,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। इस दौरान 7 पीड़ितों के बीच 25 लाख रुपये मुआवजा की राशि वितरित की गई। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए न्यायिक दंडाधिकारियों के लिए 23 बेंच एवं कार्यपाल पालक दंडाधिकारियों के लिए 19 बेंच का गठन किया गया था। तो झारखंड में गिरिराज सेना के संरक्षक कमल देवगिरी की हत्या बोतल बम से अटैक। चले के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चंद्रपुर के युवाओं का चेहता एवं गिरिराज सेना के संरक्षक कमल देवगिरी की हत्या कर दी गई है। शनिवार शाम को शहर के भारत भवन स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर तुलसी भवन के पास अपराधियों ने बोतल बम से मारकर उनकी हत्या कर दी। घटना शनिवार शाम 6:30 बजे की बताई जा रही है। तो वही अगली बड़ी खबर क्या है, पूर्व मंत्री समरेश सिंह वेंटिलेटर पर, बोकारो में चल रहा इलाज। बोकारो के पूर्व विधायक झारखंड के पूर्व मंत्री समरेश सिंह गंभीर रूप से बीमार हैं। श्री सिंह को बोकारो जनरल हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर यूनिट में एडमिट कराया गया है, जहां डॉक्टर उनके इलाज में जुटे हुए हैं। वही सीएम हेमंत सोरेन ने सरायकेला में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का किया उद्घाटन। सरायकेला में बिरसा स्टेडियम में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजन किया है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर दिया। इस मौके पर मंत्री चंपई सोरेन, बन्ना गुप्ता, चंदन भोक्ता, विधायक कविता महतो, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम वोदरा, उपाध्यक्ष मधुश्री महतो, आयुक्त मनोज कुमार, डीआईडी अनजय सिन्हा, सभी समस्त लोग वहां पर मौजूद थे। तो वही सुरक्षा कर्मी को चकमा देकर पलामू बालगृह से बच्चे भागे। पलामू जिले के बालगृह से 3 बच्चे भाग गए हैं। जानकारी के मुताबिक तीनों बच्चे खेलने के दौरान सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर भाग गए हैं। फरार हुए बच्चे रामगढ़ पनातु आप पाटन के रहने वाले हैं। बालगृह संचालक ने मेदिनीनगर थाना में तीनों के फरार होने का कारण किया है, पुलिस छापेमारी कर रही है। तो वहीं अगली बड़ी खबर लेकर के आ रही है, दिल्ली NCR और उत्तराखंड में भूकंप के झटके, एक हफ्ते में दूसरी बार हिली धरती केंद्र नेपाल। बदले कि दिल्ली NCR सहित कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली सहित उत्तरी भारत के कुछ राज्यों में शनिवार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का झटका 5.4 तीव्रता का था और इसका केंद्र नेपाल में था, जो उत्तराखंड में जसमठ से 212 किलोमीटर दूर है। भूकंप का झटका 7:57 पर महसूस किया गया। दिल्ली सहित उत्तराखंड यूपी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 3 दिन पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसका केंद्र नेपाल में था। पड़ोसी देश में इस भूकंप की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई थी। नेपाल में एक सप्ताह में 3री बार भूकंप आया है। फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। दिल्ली NCR में रात करीब 8 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबरगन कह रही है, बोकारो के गांव में अचानक घुसे जंगली हाथी, एक को कुचला, ग्रामीणों ने बिजली के टावर पर चढ़कर बचाई जान। मतलब कि बोकारो के एक गांव में अचानक 40 जंगली हाथियों ने हमला कर दिया, गांव में जमकर उत्पात मचाया। इस अफरातफरी में एक ग्रामीण की भी गंभीर रूप से घायल हैं, वे शौच के लिए निकले थे, तभी हाथियों ने उन्हें गुस्से में कुचल दिया। शुक्रवार को ही इस घटना का वीडियो भी सामने आया है,
घटना कथा टोपी थाना क्षेत्र के छिड़की गांव की है। तो वही अगली बड़ी खबर लेकर आ रही है, केबुल कंपनी के जमीन मामला। मजदूरों के वकील ने कहा केबुल कंपनी की 170 करोड़ जमीन हड़पने की हो रही है साजिश। झारखंड हाईकोर्ट के जज गौतम चौधरी की बेंच में शुक्रवार को इकबाल कर्मचारियों के प्रतिनिधि भगवती सिंह द्वारा NCLT द्वारा 7 फरवरी 2022 को जारी आदेश में इकबाल के जमीन को टाटा स्टील के लीज करा देने के खिलाफ दायर रिव्यू पिटीशन की सुनवाई हुई। कर्मचारियों के अधिवक्ता ने अदालत को बताया टाटा स्टील ने इकबाल को एक पत्र के माध्यम से पहली बार दावा किया कि इकबाल की जमशेदपुर की 170 एकड़ जमीन टाटा स्टील की सबलीज है, जो 2019-20 से 2019-24 के बीच एक डीड द्वारा दी गई थी। तो वही अगली बड़ी खबर लेकर के आ रही है, मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग की ओर से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों ने बूथों का लिया जायजा। वोटरों और VLO को से की चर्चा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग झारखंड के रवि कुमार शनिवार को हजारीबाग का दौरा किया। उन्होंने चल रहे संयुक्त मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के संदर्भ में 25 सुधर विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन पदाधिकारी BLO सुपरवाइजर के साथ बैठक की। हजारीबाग भ्रमण के क्रम में CEO के रवि कुमार ने कटमसाड़ी प्रखंड के कुछ बूथों का निरीक्षण किया तथा मतदाताओं एवं BLO से बात की। तो वहीं स्कूल के रास्ते में बना दिया मकान, गड्ढे में गिर गए बच्ची का टाँ। बजे की प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय को इलाके के मुख्य रास्ते को गांव के ही दौलत साव ने रास्ते को बंद कर ढलाई का मकान बना लिया। मकान बन जाने के कारण बच्चों को विद्यालय आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रास्ते को बंद करने को लेकर ग्रामीण का कहना है कि विद्यालय के लिए गाँव के कुछ लोगों ने जमीन दान में दे दी थी, पर दौलत साव दान की गई जमीन पर कब्जा कर रास्ते को बंद कर दिया है। इसमें गांव में पंचायत हुई थी, इसके बाद 12 फीट रास्ते की जमीन छोड़कर मकान बनाने के लिए बात गई थी। छठ पूजा के दौरान जल्दबाजी में पूरी जमीन पर घर की ढलाई कर दी गई। जमीन पर कब्जा होते देख अन्य रहतों ने जिनके पूर्वज विद्यालय के लिए जमीन दान किए थे उन लोगों ने भी अंदर ट्रेच काट दिए। गड्ढे के रास्ते से होकर जाने के दौरान विद्यालय की एक छात्रा ममता कुमारी गिर गई, जिस कारण उसका हाथ टूट गया। वहीं अगली बड़ी खबर है, हजारीबाग से साइक्लोथोन 2022 का आयोजन। कनहरी से सिटी फेक्स स्कूल तक साइकिल यात्रा आज निकलेगी। बदलते परिवेश में खासकर किशोरी और युवाओं में मोटर बाइक के प्रति ज़्यादा रुझान एवं साइकिल के उपयोग करने से उदासीनता आई है। इसी के मद्देनजर रखते हुए साइक्लोथोन 2022 का आयोजन सिटीफेक्स विद्यालय हजारीबाग से 13 नवंबर को कनहरी को किया गया है। कनहरी हिल से विद्यालय परिसर तक साइकिल यात्रा होगी। आयोजन में सीमा सुरक्षा बल के मेरू एवं यातायात पुलिस को भी सहभागिता के लिए अनुरोध किया गया है। साइकिल चलन में स्कूली छात्र एवं छात्राओं के साथ सीमा सुरक्षा बल में मेरू के जवान एवं पदाधिकारी भी शामिल शिरकत करेंगे। तो वहीं 3 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन 200 से अधिक सज्जनों ने साझा किए अपने अनुभव। आज तकनीकी उपकरणों को दी जाएगी जानकारी। हजारीबाग से भिखारी मेडिकल कॉलेज में चल रहे एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ झारखंड चैप्टर 2022 के 3 दिवसीय आयोजित अधिवेशन के दूसरे सत्र का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ है। इस सेमिनार में विभिन्न तरह की सर्जरी में आधुनिक उपकरणों के उपयोग और सर्जरी के साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस को कम से कम कैसे लाया जा सकता है, इस गंभीर चर्चा हुई है। इस देश के विभिन्न संस्थानों से आए प्रखर सर्जनों ने शिरकत किया।